स्वागत है आप सबका द 100 के अंदर। मुकाबला है यहाँ पे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स बनाम वेल्श फायर के बीच में, जो खेला जाएगा हेडिंगली लीड्स के ऊपर। मैच टाइमिंग है रात के 11 बजे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट से लोग रुक करते हैं। इस टूर्नामेंट का बिजनेस एंड आ चुका है और दोनों टीम्स का ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच है। तो आप देखो, इस टूर्नामेंट के अंदर आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूँ, 8 टीम्स कम्पीट करती हैं और टॉप 3 टीम क्वालिफाई करती है। और ओवल ऐसी टीम है जो यहाँ पे सबसे पहले क्वालिफाई करी है और सीधा फाइनल खेलेगी संडे के दिन। और जो टीम यहाँ पे सेकंड और थर्ड पे फिनिश करती है वो यहाँ पे एलिमिनेटर खेलेगी और उसमें जो जीतेगा वो फाइनल के अंदर जाने वाला है, अगेंस्ट ओवल खेलेगा फिर जाके। तो आप देखो यहाँ पर वेल्श फायर पॉइंट टेबल के ऊपर 5वें स्थान के ऊपर है। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, दे आर डन एंड डस्टेड। अब इस मैच में जीत भी जाते हैं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप देखो जो होम टीम और लोकल टीम है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 7 मैच खेली है, मात्र 2 मैच जीती है, 4 हारी है, 1 मैच इस टीम का नो रिजल्ट गया है और इनके सिर्फ 5 पॉइंट्स है। वहीं देखते हैं वेल्श फायर, ये जीवित है टूर्नामेंट के अंदर अभी तक। तो आप देखो वेल्श फायर ने 7 मैच खेला है, 3 जीता है, 3 हारी है, 1 मैच इनका टाई हो गया था अगेंस्ट ओवल और इस टीम के 7 पॉइंट्स हैं। और आप देखते हो यहाँ पर 3 टीम्स के 7 पॉइंट्स हैं। ट्रेंट रॉकेट्स डन एंड डस्टेड, इनके भी 8 मैचेस हो चुके हैं और इन्होंने 7 पॉइंट्स के साथ फिनिश किया टूर्नामेंट के अंदर। अब देखो इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ उस मैच के कितनी ज़्यादा है। ये आप देखो, अगर वेल्श फायर इस मैच में जीतती है तो ये टीम जीवित रहेगी, ट्रेंट रॉकेट्स को नॉकआउट कर देगी आज के दिन। फिर देखो कल मुकाबला है सदर्न ब्रेव का और मैनचेस्टर का, कहाँ पे? ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ऊपर। अगर उसके अंदर मैनचेस्टर ओरिजिनल सदर्न ब्रेव को हरा देती है तो वेल्श फायर के चांसेस है क्वालिफाई करने के, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वरना यहाँ पर फिर दिक्कत ही दिक्कत है वेल्श फायर को अगर इस मैच में हार जाती है तो। तो लेट्स इस क्लैश के अंदर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम, मस्ट विन गेम फॉर द वेल्श फायर। जी जान लगा देंगे इस मैच के अंदर वेल्श फायर वाले, बिकॉज इट्स ए मस्ट विन गेम। अब देखें इस वीडियो के अंदर टोटल 88 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या है, आपके सामने बेस्ट कंटेंट लाना। और आप देखो इस मैच के अंदर भी आपको 20,000 रुपये का गिव अवे देखने को मिलेगा विजन 11 के ऊपर। तो साइन अप कर लेना, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साइन अप पे आपको 500 रुपीस बोनस मिलता है। और आप देखो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्या फ़ायदा है मैं बताता हूँ। 10:30 बजे टॉस है, 11 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। इस आधे घंटे के अंदर मैं आपको पिचेस की फोटो ला के दूंगा। यहाँ पर पहले महिलाओं का मैच होगा शाम को 7:30 बजे, उसके बाद रात को 10 बजे मैच स्टार्ट होगा, 11 बजे। तो आप देखो यहाँ पर जो पिच की ऑब्जर्वेशंस है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, लाइनअप्स टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, फाइनल टीम भी आपको वहीं पे मिलेगी। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में नीचे दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ, स्पेशल पिच रिपोर्ट है। हेडिंगली लीड्स के ऊपर ये ग्राउंड है, मतलब मैदान है, ये बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड आप देखें। और आप इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टाइम 13 अगस्त को मैच खेला गया था, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेस मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का गेम था। उसमें हुआ क्या था, कुछ नहीं हुआ था। मैनचेस्टर की टीम पहले बल्लेबाजी करने आती है और बेसबॉल खेलती है, 182 बनाया था, 6 विकेट गवा के ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी यहाँ पे आके मैनचेस्टर की टीम ने। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स चेस करने आती है, कोई नहीं चला, टीम 140 पे सिमट जाती है। उससे पहले 185 बना जो टीम चेस करने आई, 176 पे 8 विकेट गवा के चेस नहीं कर पाती है। ये मैच था ओवल का जिसमें क्लासन ने बहुत बुरा धोया था उसको, आदिल राशिद को, 185 बनाया था यहाँ पे ओवल की टीम ने। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स चेस करने आती है, 176 बना पाती है, क्लोज गेम गया था, चेस नहीं कर पाए, 135 बना। और जो टीम चेस करने आई वो 119 बनाती है, 208 बना। ये भाई साहब हाई स्कोरिंग वेन्यू है, दो वेन्यूज इंग्लैंड में बहुत चलते हैं, एक तो अपना क्रिंटन ओवल लंडन जहाँ पे कल मैच हुआ था किया ओवल के ऊपर, और दूसरा एक ये वेन्यू है। यहाँ पर ये दो वेन्यूज के ऊपर हमेशा रन की बारिश होती है, फ्लैट विकेट होता है, एकदम पाटा बोलते हैं ना अपने मुंबई के अंदर, अपने इंडिया के अंदर पाटा, सपाट विकेट रहता है एकदम रोड, ठीक है, बैटिंग सरफाइस और बैटिंग पैराडाइज आप कह लो इसको। इस वेन्यू के पिछले 6 गेम्स के अंदर 4 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीतेंगे, मैं बताता हूँ क्यों। टीम्स पहले बैटिंग करती है, 200 बना देती है, ठीक है, और 200 जब बन जाते हैं तो भाई जो टीम चेस करने आती है उसका मत्था फिर जाता है, वो सोचती है भाई इतना बड़ा स्कोर कैसे चेस करेंगे, और जब अटैक करने जाते हैं तो भाई वहाँ पे विकेट गिरते रहते हैं अटैक करते हुए। 6 में से 4 मैच बैटिंग फर्स्ट, 2 मैचेस चेस करते हुए जीते गए हैं। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स होम ग्राउंड है, यहाँ पे 10 मैच खेला, 3 मैच जीती है, 7 मैच हारी है। वेल्श फायर यहाँ पे 1 मैच खेल के 1 मैच जीती हुई है। औसतन स्कोर 140 से कम बन गया तो शामत है, 170 तक तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लास्ट जो मैच हुआ था नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वर्सेज मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का, उस गेम में 8 विकेट था पेसर्स का और 7 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स का था। विकेट वालों को समझते हैं, लास्ट 6 गेम्स के अंदर यहाँ पे द 100 के
48 विकेट निकाला पेसर्स ने, पहली बारी में 23, दूसरी बारी के अंदर 25, राइट आर्म पेसर का 22, लेफ्ट आर्म पेसर का 26 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें, 26 विकेट हैं स्पिनर्स के नाम इस वेन्यू के ऊपर, पहली बारी में 13, दूसरी बारी के अंदर 13, लेग स्पिनर्स आर द की एट दिस वेन्यू, 15 विकेट से लेग स्पिनर्स का। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 विकेट है। ऑफ स्पिनर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 विकेट है। चेयरमैन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 विकेट है, खेलेंगे नहीं इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मजे ले रहा हूं जस्ट आपके। तब देखो पिच ऐसी दिखती है यहाँ पर, इस मैच में सिर्फ आपको लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर दिखेगा, ऑफ स्पिनर वो मैथ्यू शॉट है, खेला तो खेला वरना राम भरोसे, खेला मतलब बॉलिंग करा तो करा। ये देखिए आप क्लासिंग जब छगा मार रहे थे, क्या सेटअप किया था भाई ने एकदम बेस, और स्टैंड्स भी डिपॉजिट करी थी गेंद, तो ऐसी यहाँ पे पिच दिखती है और बहुत बढ़िया सर्फिस रहता है, आप देख सकते हो स्टम्प कैम से। और ये देखो आप वीडियो देखना आपको पिच का, ये देखो आप जो बाउंड्री सामने 65 मीटर की होती है, स्क्वायर बाउंड्री यहाँ पे आपको 66 मीटर की देखने को मिलती है। ये स्टेडियम का व्यू है महिलाओं के मैचेस के अंदर, बाउंड्री देखो कितना अंदर गया जाता है। ये स्टेडियम का व्यू, ड्रोन व्यू देखो आप फैन हो जाओगे स्टेडियम के। ये देखो आप क्या व्यू आ रहा है स्टेडियम का, ड्रोन व्यू भाई मैं फैन हो गया था देख के, क्या आता है स्टेडियम का ड्रोन व्यू, बहुत ही पॉपुलर स्टेडियम है। ये आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, इसके लिए बहुत पॉपुलर है स्टेडियम, ये देखो आप ये वाला। ये चलते हैं किसकी तरफ, बारिश के चांसेस लगभग ना के बराबर है, देयर आर 4% चांसेस ऑफ रेन। रूल्स नहीं जानते तो आप पढ़ सकते हो द 100 के, और लोकी फर्गसन और मैट हेनरी रिप्लेस कर रहे हैं शेन शाफरीदी हैरिस रॉफ को, ड्रीम इलेवन ऐड नहीं। यार मैंने उनको मैसेज भी किया था भाई लोगों को, बहुत खराब लगा मुझे देख के वो, कि उन्होंने मेरा मैसेज देखा भी और भाई लोगों ने ऐड भी नहीं किया। बोलो यार, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स और वेल्श फायर दोनों टीम्स में दो दो मैचेस खेले हैं, एक मैच नॉर्दर्न जीती है, एक मैच वेल्श फायर जीती है। 11 की बात करते हैं, मैथ्यू शॉट ओपन करेंगे टॉम बेंटन के साथ, ओली रॉबिन्सन, क्योंकि मेरे को लग रहा है इस मैच में एडम लाइथ को मौका देना चाहिए। भाई को दो मौके दे दिए, दो तीन, कुछ नहीं किया भाई ने। लास्ट मैच में एडम लाइथ को लिया था, बैटिंग सरफेस था, कुछ नहीं किया भाई ने वहाँ पे। मैथ्यू शॉट ओपन करेगा टॉम बेंटन के साथ, ओली रॉबिन्सन को मौका देना चाहिए, बहुत अच्छा क्रिकेटर है डरम का। हैरी ब्रुक्स, एडम होस, वीसे, पर्नेल, ब्रैडन गर्स, आदिल राशिद, टॉपले, कलम पर्किसन, वैसे मैच डेड डबर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इस मैच में मौका दिया जा सकता है सैफ जेब को, बैज लेडे को, मैथ्यू पॉट्स को। चलते हैं वेल्श फायर की तरफ, जॉनी बैरिस्ट ओपन करेगा, चलना जरूरी है भाई का, लास्ट गेम में चला था स्लेट टीम इनकी जीती थी अलॉन्ग विद द टॉम एबल, इसके नाजी जो क्लार्क वनडाउन, लुक विल्स आपको दिखेगा, टॉम एबल, ग्लेन फिलिप्स, डेविड विल्ली, रोला फंडामोवा, मैट हेनरी, फर्गुसन, डेविड पेन। टैक्टिकल डेटा देखते हैं फटाफट, इसको मैं जल्दी से फिनिश करूंगा, टैक्टिकल डेटा मेरा 5 मिनट ले जाता है हमेशा। तो देखो वेल्श फायर 7 मैचेस के अंदर 11 विकेट गवा चुकी है पावर प्ले के अंदर, ये टीम पावर प्ले में विकेट्स गवाती है वेल्श फायर की, तो आपको नई गेंद के बॉलर लेने हैं फ्रॉम द अपोनेंट टीम। अपोनेंट टीम कौन सी है भाई, सिंपल अपोनेंट टीम है क्या नाम है इसका, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, अभी मेरा भी दिमाग घूम जाता है। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स बैटिंग करते हो पावर प्ले के अंदर, 6 मैच में 7 विकेट गवाई है। अब चलते हैं मिडल फेस की तरफ, मिडल फेस के अंदर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स बहुत विकेट गवाती है, हद से ज़्यादा, 6 मैच में 24 विकेट गवाया है, 19 के औसत है। मिडल फेस में कोई चलता ही नहीं इनका, एक बार एडम होस के नीचे बैटिंग चली गई ना, कोई चलेगा ही नहीं फिर। वेल्श फायर 7 मैच के अंदर 17 विकेट गवाए मिडल फेस के अंदर। डेथ ओवर की बात करें, डेथ ओवर के अंदर वेल्श फायर ने 6 मैच में 12 विकेट गवाया, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने 5 मैच में 11 विकेट गवाया। कई बार से उनके डेथ ओवर तक मैच जाते ही नहीं है, पहले टीम सिमट जाती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, तो बॉलिंग से वेल्श फायर की जो बॉलिंग अटैक है नई गेंद से बहुत अच्छा है, और आप देखते हो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स नई गेंद से 6 मैच में 7 विकेट गवाई है बैटिंग करते हुए पावर प्ले के अंदर। तो वेल्श फायर ने 7 मैच में 10 विकेट निकाला है बॉलिंग करते हुए, वहीं आप देखते हो दूसरी टीम का है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, 7 मैच में 7 विकेट निकाला, उसमें से टॉप लेन ने सारे विकेट निकाले हैं मोस्टली। मिडल फेस के अंदर वेल्श फायर ने 7 मैच में 23 विकेट निकाला, बहुत अच्छी टीम है, क्वालिफाई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने 7 मैच में 21 विकेट निकाला है। डेथ ओवर के अंदर वेल्श फायर ने 5 मैच में 9 विकेट निकाला है, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने 6 मैच में 12 विकेट निकाले हैं। प्लेयर के स्टैट्स देखते हैं, एडम लाइट 2 मैचेस में 72 रन है, एट ओवर के अंदर 25 और 47 चेस भी किया था, और इस वेन्यू के ऊपर भी ये लोकल क्रिकेटर एडम लाइट यहीं का यॉर्कशायर के लिए खेलता है, और होम ग्राउंड यॉर्कशायर का ही है। 78 मैचेस में 30 की औसत है, 2000 के ऊपर रन है, लोकल लर्ड है यहाँ का, 1 शतक, 14 अर्धशतक है, 17 बार थर्टी गया है। अब आप कहोगे थर्टी क्या होता है, थर्टी मतलब होता है 30 से 50 के बीच में कितनी बार स्कोर किया है 75 इनिंग्स में। फॉर्म 1/26, 1/34, भाई क्या कर रहा है ये। मैथ्यू शॉट 3 मैचेस के अंदर 37 रन है, 2 विकेटें हैं, बैटिंग सेकंड 0 और 37 है, 3 मैचेस खेला बट 1 मैच रद्द हो गया था बारिश के कारण, तो इस वजह से बैटिंग 2 ही बार करी है। टॉम बेंटन एक्स क्रिकेटर है वेल्श फायर का, 3 मैचेस के अंदर 97 रन है वेन्यू के ऊपर, 4
बैटिंग फर्स्ट 81 और 12 चेस के ऊपर है। पिछले तीन मैचेस से फ्लॉप हुआ है 6-2 और 12, कुल मिला के 20 रन के हैं लास्ट 300 गेम्स में। एडम उसका 4 रन है 8 ओवर के अंदर बैटिंग सेकंड करते हुए। वेन्यू के ऊपर 11 मैच में 268 रन है, 160 का स्ट्राइक रेट है, 26 के औसत है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। लास्ट गेम में भी टच में दिखा था फिर आउट हो गया। हैरी ब्रुक 2 मैचेस के अंदर 70 रन है, चेस के ऊपर 62 और 8 नाबाद है, बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा सीरियस दिखता ही है। वेन्यू के ऊपर 30 मैचेस में 933 रन है, लोकल क्रिकेटर है यहाँ का, 48 की यहाँ पे औसत है, 5 50s है, 8 बार 30 गया है। वेन बर्नेल का एक मैच में जरूर विकेट है, हेड टू हेड के अंदर बॉलिंग फर्स्ट, 7.5 की इकोनॉमी। वेन्यू के ऊपर 6 मैचेस में 8 विकेट्स है, 79 रन बल्ले से हैं। लेट्स सी क्या करेगा इस गेम के अंदर, क्योंकि पिछले 2 मैचेस से वेन बर्नेल 3 मैचेस से खराब बॉलिंग कर रहा है। ब्रैंडन गर्स एक मैच में 1 विकेट 11 रन है, ये भी कोई खास कुछ कर नहीं रहा। वीसा भी रोल दिखा नहीं है टूर्नामेंट के अंदर, पिछले क्या इस टूर्नामेंट में विकेट भी निकाला है कि नहीं भाई ने, मेरे को ये भी याद नहीं है, एक भी विकेट नहीं निकाला लगता है इस टूर्नामेंट के अंदर। बहुत खराब बॉलिंग करी है वीसा ने, MLC से मार खा रहा था, MI न्यूयॉर्क के लिए इसने MLC खेली थी, वहाँ पे भी मार खाया। IPL के अंदर भी इसको 1-2 मैच में बॉलिंग दी थी, बहुत मार खा रहा है वीसा फिलहाल। 2 मैच में 14 रन है हेड टू हेड में। वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस में 8 विकेटें हैं। आदिल राशिद 2 में 2 विकेट है, इंपॉर्टेंट है। वेन्यू के ऊपर 67 में 77 विकेट है, लोकल क्रिकेटर है। कलम परकेसन का 9 मैच में 10 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 4 में 4, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 6 विकेट है। अच्छा बॉलर है बट ये विकेट इतना स्पिन को सूट नहीं करता, बट लेट्स सी, स्मार्ट स्पिनर है ये, टप्पा पकड़ता है ये सिर्फ। रिस टॉपली का 1 मैच में 1 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 5 विकेट है, इंपॉर्टेंट है बॉलिंग फर्स्ट के अंदर, हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट के अंदर टॉप पे शुमार है। सैफ जेब का 4 मैच में 51 रन है वेन्यू के ऊपर। पॉट्स का 1 मैच में 1 विकेट है एट टूडे के अंदर, वेन्यू के ऊपर 6 में 7। बैज लेडी का 1 मैच में 1 विकेट है, 12 की इकोनॉमी रही थी। ऑलर रॉबिन्सन 2 मैचेस में 120 रन है। बेन स्टोक्स 1 मैच में 5 रन 1 विकेट है एट टूडे में, वेन्यू पे आप देख सकते हैं बट खेलेगा ही नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। टॉपली ने पिछले गेम में पहली 5 बॉल डाली, फिर 11 से 15 डाला, 86 से 90 96 से 100। कॉलम परकिंसन 6 से 10, 16 से 20, 46 से 50, 81 से 85। ब्रैड एंड गार्स 21 से 25, 61 से 65। वीसा 26 से 30, 56 से 60। पिछले आप देखते हो हर गेम में ये 10 से 5 बॉल डाल रहा है। आदिल पूरी 20 बॉल डाला, 31 से 35, 41 से 45, 76 से 80, 91 से 95। परनेल 36 से 40, 67 से 70। भाई ने 10 बॉल डाली थी, इतना लो कॉन्फिडेंस फील करा था लास्ट गेम में, परनेल ने मार पड़ी थी। शॉट ने 51 से 55, 71 से 75। स्टेफन स्कनाजी हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, अच्छा क्रिकेटर है, इसके पास बहुत सारे शॉट्स है, रैंप अच्छा खेलता है, ये स्कूप वगैरह वही हो गया, अच्छे शॉट्स खेलता है, अलग अलग तरीके से स्कूप करता है, सीधा बैट रख के भी करेगा, पीछे टेढ़ा बैट करके वाइड यॉर्कर को भी जैसे स्कूप करते हैं वैसे भी करता है ये। जॉनी बेरिस्टो 1 मैच में 56 रन, बैटिंग फर्स्ट करते हुए हेड टू हेड के अंदर बनाया भाई ने। वेन्यू के ऊपर 34 मैचेस के अंदर 800 रन है। जॉनी बेरिस्टो भी आपका लोकल क्रिकेटर है, यॉर्कशायर का लड़का ही है और ये यॉर्कशायर के अंदर आता है एक राउंड। 32 की औसत है, 137 का स्ट्राइक रेट है। वेन्यू के ऊपर 4 50 है, 6 बार 30 किया 32 इनिंग्स में, लास्ट गेम में 40 किया था, तो एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर बिग। जो क्लार्क 2 मैचेस के अंदर 25 रन, बैटिंग फर्स्ट 14, चेस के ऊपर 11। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 66 रन है, इस पे 51 चेस पे, 11 चेस पे, 5 चेस पे। रिसेंट फॉर्म भाई का डाउन रहा है, ये एक मैच में चलता है एक में फ्लॉप होता है, भाई का फॉर्मूला है। लुक वेल्स 3 में 22 रन है, वेन्यू के ऊपर 1 विकेट है, बैटिंग सेकंड किया 1 और 21, हेड टू हेड नहीं खेला, पहला जो सीजन है भाई का 100 का। टॉम एबल का 1 मैच में 8 रन है, हेड टू हेड में चेस करते हुए, वेन्यू के ऊपर भी 8 रन है। लास्ट गेम का प्लेयर ऑफ द मैच था, हीरो ऑफ द मैच था, 37 गया था नाबाद। ग्लेन फिलिप्स इनका भी बहुत ज़्यादा अहम योगदान था लास्ट गेम में, हेड टू हेड के अंदर 23 रन से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, वेन्यू कीपर भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए 23 रन से, 164 का स्ट्राइक रेट है। विली लोकल क्रिकेटर रहा है यहाँ का, यॉर्कशायर का, अब ये नॉर्थम्पटन शायर टीम में चला गया, काउंटी ग्राउंड नॉर्थम्पटन का ग्राउंड अभी, वैसे एक्स क्रिकेटर है ये, इस टीम का नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स से पहले कैप्टनसी कर चुका है पिछले 2 सीजन के अंदर। 39 मैचेस उसने वेन्यू कीपर खेला है, 37 विकेट्स है, 1134 रन से, आप एक शतक है, 6 अर्धशतक है, अलग ही मूडी प्लेयर है भाई साहब ये। रोलफ फंडमोवा 1 मैच में जरूर विकेट, एडवर्ड में बॉलिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 1 विकेट है, लेट्स सी। लुकी फर्गुसन 1 मैच में 2 विकेट है हेड टू हेड के अंदर। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए लास्ट सीजन इसने खेला था 100, लास्ट टू लास्ट सीजन आई थिंक, और वेन्यू के ऊपर आप देखते हो तो 8 मैचेस के अंदर 16 विकेट है। जी हाँ, सही स्टैट्स है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। लुकी फर्गुसन यॉर्कशायर जो टीम है उसके लिए ये T20 ब्लास्ट में आके खेल चुका है, इसने 10 मैचेस खेले हैं T20 ब्लास्ट के अंदर फॉर द यॉर्कशायर टीम, और आप देखते हो
इस वेन्यू पर 8 मैचेस खेले हैं, जिसको इस वेन्यू को बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कैसे इस वेन्यू के ऊपर खेलते हैं। 8 मैचेस में 16 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 3, बॉलिंग सेकंड 6 मैच में 13 विकेट है। इस वेन्यू के ऊपर इसको हर 11 बॉल में एक ना एक विकेट मिलता ही है। ये फॉर्मूला रहेगा, मैट हेनरी 0 विकेट है वेन्यू के ऊपर बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, 9.5 की इकोनॉमी थी। वैसे जो फॉर्म है मैट हेनरी का भाई, लास्ट गेम में उसको मैं कैप्टन या वाइस कैप्टन करता अलोंग विद द विल्ली। तो ये देखो 2 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, भाई का फॉर्मूला है। 2 विकेट के नीचे मैं बात नहीं करता, बहुत अच्छा बॉलर है, आईपीएल खेलना चाहिए बंदा, ऐसा प्लेयर है। जैसे कि आप देखते हो जो सिजलवुड, इस टाइप का बॉलर है ये। कभी कभी मेरे को जो सिजलवुड से बहुत बेटर बॉलर लगता है मैट हेनरी, जो क्लास है इसके पास, मैट हेनरी के पास बहुत तगड़ी क्लास है भाई साहब। डेविड पेन 2 मैचेस में 0 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए, 10 की इकोनॉमी है वेन्यू के ऊपर। मैं ऐसे नहीं कह रहा यार मेरा कोई इसके साथ रिश्ता नहीं है, मैं जो मैचेस देखता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया इसकी बॉलिंग में, उस बेसिस पे कहता हूँ। मेरा किसी के प्लेयर के साथ कनेक्शन नहीं है, दो प्लेयर्स को छोड़ के, एक स्टीव स्मिथ है और एक आप देखते हो फैब फोर के अंदर आते हैं, बाबर हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, विराट कोहली हो गया, फिर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है बहुत से ऐसे क्रिकेटर जिनको मैं दिल से पसंद करता हूँ, सैम है, 4 ऐसे क्रिकेटर जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनके लिए मैं कभी कभार बायस्ड हो जाता हूँ, बट मैट हेनरी मेरी उसी नॉर्मल लिस्ट में आता है। डेविड पेन 2 मैच में 0 विकेट है, बॉल सेकंड, वेन्यू के ऊपर 0 विकेट है, बॉल फर्स्ट करते हुए, बॉल सेकंड करते हुए एक ही बार बॉलिंग करी थी, बहुत महंगा साबित हुआ था। लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले थे, वेन्यू के ऊपर बहुत अच्छे नंबर थे लास्ट मैच के अंदर इस वजह से। बैन ग्रीन देखें आप, जैकी बॉल, क्रिस कुक नौका जा सकता है, स्टार्टिंग ओवर देखो आप कौन डालेगा, मैट हेनरी और डेविड विल्ली। क्या होता पिछले गेम में, मैट हेनरी ने 6 से 10 16 से 20, 10 बॉल पावर प्ले में डाली, 25 बॉल का पावर प्ले होता है। विल्ली 1 से 5 11 से 15 21 से 25, 15 बॉल इसने डाली पावर प्ले में, फिर 71 से 75, फिर मैट हेनरी 26 से 30 56 से 60, फिनिश कर दिया डेथ ओवर से पहले। फर्गुसन 31 से 35, 41 से 45 76 से 80 91 से 95। डेविड पेन को भाई साहब 10 बॉल मिली डेथ के अंदर, 36 से 40 51 से 55, 86 से 90 96 से 100, तो इस भाई साहब की डेथ ओवर में बॉल बची रह जाती है। रोल ऑफ अंडम हुआ 46 से 50 61 से 70, 81 से 85, मार पड़ी थी पिछले गेम में रोल ऑफ को। एडम लाइट वर्सेस जैकी बॉल 6 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, ल्यूक वेल्स ने 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। आप देखोगे ल्यूक वेल्स का मैचअप में बहुत बार नाम रिपीट होगा, देखना आप, बट वही है कि यार स्पिनर इस वेन्यू के ऊपर क्या बॉलिंग करेगा, जो इतना फ्लैट विकेट होता है, बॉलिंग करता है तो विकेट मिल सकते हैं भाई को। फर्गुसन ने 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया, फर्गुसन एडम लाइट एक ही टीम में खेल चुके हैं साथ में यॉर्कशायर के लिए। मैथ्यू शॉर्ट वर्सेस डेविड पेन 4 बॉल 0 रन एक इनिंग्स में 1 बार आउट किया। टॉम बैटन की बात करें अगेंस्ट डेविड पेन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ, 14 बॉल में 11 रन बना के। और एडम उसकी बात करें अगेंस्ट जैकी बॉल 8 बॉल 9 रन 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। और डेविड पेन वर्सेज एडम ऑस 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। हैरी ब्रुक वर्सेज लुक विल्स 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 13 बॉल में 13 रन देगी। डेविड वीसा वर्सेज डेविड पेन 5 इनिंग्स को 2 बार आउट किया, 20 बॉल में 35 रन देंगे। स्टेप स्टेप का देख लो, ओली रॉबिन्सन को मौका दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोमिशन क्रिकेटर रहा है हमेशा ये। स्टीफन स्कनाजी हेड टू हेड नहीं खेला तो मैचेस भी इसके कम ही है। जॉनी बैरिस्टो वर्सेस ब्रैडन कर्स एंड स्टोक्स 1 बार आउट किया। जो क्लार्क वर्सेस डेविड वीसा 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया, 11 बॉल में 14 रन देके। आदिल राशिद ने 22 बॉल में 27 रन देके 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया हुआ है। फिलिप्स वर्सेस वीसा पॉट्स वेल्ली का देख लें आप, कोई खास मैच मुझे लगा नहीं जो आपको बता सकूं। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स एक ऐसी टीम है जो लक्ष्मण के सामने हमेशा बहुत बुरा फंसती है, 5 मैच के अंदर 11 विकेट लक्ष्मण के सामने गवाया है इस टीम ने। वही अपन देखते हैं वेल्श फायर 6 मैच में सिर्फ 4 विकेट गवाई अगेंस्ट लक्ष्मण, तो देखते हैं आदिल राशिद का कैसा स्पेल होता है इस गेम में। लेफ्ट आर्म पेसर के सामने इस टूर्नामेंट यार लेफ्ट आर्म पेसर अलग ही बॉलिंग कर रहे हैं। तो आप देखो नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने 4 मैच में 10 विकेट गवाया अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, 21 की औसत है, 160 का स्ट्राइक रेट है। वहीं देखते हैं वेल्श फायर 5 मैच के अंदर 14 विकेट गवा चुकी है, 123 का स्ट्राइक रेट है। वेल्श फायर को ज्यादा दिक्कत है लेफ्ट आर्म पेसर से, और वेन पर्नेल टॉपली लेफ्ट आर्म पेसर सामने। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर वर्सेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 5 मैच में 5 विकेट गवाया, 105 का स्ट्राइक रेट है, 16 की औसत है। वेल्श फायर अच्छा खेलती है वैसे, 20,000 रुपये का गिव अवे, साइन अप कर लेना, मेरा भी फायदा है और उसमें आपका भी फायदा है, ठीक है। तो कर सकते हो आपकी मर्जी, मैं नहीं कहूँगा करो ही करो, जो आपको बेस्ट लगे वहाँ पे खेलो, बट आप ट्राई करके देख सकते हो। रेफर कोड स्टैट्स गुरु जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंट्री फीस कम लगती है, 0 कमीशन कॉन्टेस्ट के लिए मैं कहूँगा, इससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, 0 कमीशन कॉन्टेस्ट से मेरे को 1 रुपये एफिलेट नहीं आने वाला, बट मैं कहता हूँ यही खेलो, क्यों, क्योंकि मैं आपका फायदा चाहूंगा। पहले क्या फायदा है, 100 रुपीज़ एंट्री फीस रहेगी, 7 लोग खेलेंगे, 7 × 7 होता है 700 रुपया, जितने का प्राइस पूल है 7 × 7 700 रुपया, पूरा का पूरा प्राइस पूल आपको मिल जाता है।
पहले रैंक पे 400, दूसरे पे 200, तीसरे पे 100। भाई ऐसे कॉन्टेस्ट खेलो, मजे ही मजे हैं फिर आपके, मैं कह रहा हूँ ना। कॉमन कैप्टन मैट हेनरी विल्ली अलग जाना, फर्गुसन है, ल्यूक वेल्स है, बैरिस्टर टॉपली को रोटेट कर सकते हो। 1 मिलियन का मिशन है भाई, घर में हंसते हैं मेरे पे, सही कह रहा हूँ मैं, कहते हैं तेरे 5 लाख हो जाए इस साल, वही बड़ी बात है, 1 मिलियन का सपना लेके घूम रहा है। मैंने कहा यार टारगेट है, मेरे भाई लोग करा देंगे पूरा। और ये मोबाइल ऐप है स्टैट्स गुरुजी नाम से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। टीम्स मतलब यहाँ पे जो स्टैट्स में बताया सब मिल जाते हैं टीम्स की बात। फिलहाल मैंने यहाँ पे कैप्टन किया हुआ है मैट हेनरी को वाइस कैप्टन लुकी फर्गसन है। शायद मैं लुकी फर्गसन की तरफ कैप्टन से भी शिफ्ट हो सकता हूँ, बिकॉज मैट हेनरी का स्वनी पे एक मैच में 0 विकेट है। बट सामने आप नई गेंद से देखते हो नॉर्दर्न सुपर चेल्सी के पास कौन ऐसा बैटर जो विकेट फेंक सकता है, शॉट फेंक सकता है टॉम बेंटन। एडम लैथ खेलेगा तो पक्का आउट होगा ही वो, तो ये समझ लो एडम लैथ खेलता ना तो मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैट हेनरी में कैप्टन करने का। फर्गसन है यहाँ पे, जस्ट फॉर फन कह रहा हूँ मैं, फर्गसन है यहाँ पे डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। और ये जो टीम है नॉर्दर्न की, ये डेप्थ में थोड़ा सा ठीक खेलती है एज कम्पेयर टू मेरे को लगता है अदर टीम्स, इनके पास बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, आदिल राशिद तक बैटिंग करता है। बट फर्गसन अलग कैलिबर का बॉलर है, पेन को लिया मैंने टॉप लिया, वैन परनेल, आदिल राशिद है, लुक विल्स को बैक कर रहा हूँ इस गेम एज ए पंत। बट लेट्स सी, मेरा 11वां प्लेयर है ये विली एडामोस, जो क्लार्क पेरिस्टो, एडामोस के बल्ले हैरी ब्रूक या स्टेफन स्कनाजी बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है। बैरिस्टो जो क्लार्क टॉम बेंटन आप लेके जा सकते हो, आपका कॉल रहेगा, मना नहीं करूंगा, अच्छा प्लेयर है, इस मैच में खोने के लिए कुछ नहीं है। वैसे नॉर्दर्न सुपर चेल्सी एलिमिनेटेड है इस टूर्नामेंट से, ऐसे ही खेलेगी वो। हैरी ब्रूक आपका कॉल है लास्ट राउंड में, शायद मैं एडम होस हैरी ब्रूक में से किसी एक को ले लूंगा। फिलिप्स भी अच्छा कॉल आपके लिए, फील्डिंग अच्छी करता है, बैटिंग बहुत नीचे आ रही है, बस वही दिक्कत है। इससे बेटर फिर आप टॉम एवल ले लो, टॉम एवल के पास क्लास एलिगेंस है दोनों है। स्कनाजी को उस टीम से रोटेट कर सकते हो, 82 सिलेक्शन परसेंटेज है भाई का, अच्छा खेला टूर्नामेंट के अंदर। विल्ली इंपॉर्टेंट शॉट आपका कॉल है, मैंने लुक विल्स को लिया है, बैक किया है मैंने यहाँ पे किसी को नहीं, शॉट ट्राई कर सकते हो। मैट हेनरी का नई गेंद से और विल्ली का नई गेंद से थ्रेट लग रहा है मेरे को, पिच सपाट होती है वैसे। आदिल इंपॉर्टेंट, वैन परनेल इंपॉर्टेंट, टॉपली इंपॉर्टेंट है, पेन 50-50 कॉल है मेरा भी, और फिर मैंने मैट हेनरी और फर्गसन को बैक किया। तो देखते रहे स्टैट्स मुझे मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर रात के 10:30 बजे। सी यू सून, जय हिंद।